मिथुन वालों आप बड़े भाग्यशाली सौभाग्यशाली हैं आज का दिन आपके लिए समृद्धि सुख धन और लाभ को बढ़ाने वाला साबित होगा क्योंकि सूरज का गोचर सूरज का राशि परिवर्तन और सूरज का प्रभाव आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा इस समय सूरज आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहा है आज सूरज का राशि परिवर्तन है अब आप सूर्य आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र और बुद्ध के साथ गोचर करेंगे सूर्य का गोचर जब शुभ होता है तो आपकी जीवन में सरकारी नौकरी का योग बनता है धन दौलत आपकी जीवन में बढ़ती है आपकी आमदनी बढ़ती है जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आप बड़ी सफलता और कामयाबी अर्जित करते हैं क्योंकि सूर्य का प्रभाव आपके लिए बड़ा शुभ फलदायी होता है जब भी सूर्य आपकी कुंडली के शुभ भाव में गोचर करता है तो आपके अटके हुए काम पूरे होते हैं धन के मामले में आप भाग्यशाली होते हैं भाग्य की प्रबलता जीवन में सुख देता है समृद्धि और लाभ लेकर आता है क्योंकि सूर्य के प्रभाव से ही आपको सरकारी नौकरी मिलती है खूब धन दौलत आप कमाते हैं आपकी जीवन की स्थिति बदलती है परिस्थिति बदलती है क्योंकि सूरज की चमक नेतृत्व का कौशल देता है मान सम्मान देता है आपकी कीर्ति को बढ़ाता है आपको अनुग्रह का कारक बनाता है यानी जीवन में अपनी क्षमता से आगे बढ़ने की शक्ति ऊर्जा और बल की प्राप्ति आपकी कुंडली में इस समय सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत है क्योंकि बृहस्पति मंगल और चंद्रमा भी सूर्य को अपनी शक्ति से और भी ज़्यादा ऊर्जा दे रहा है आपकी जीवन की दिशा को सूर्य तय करता है आपको कहाँ जाना है कितना कमाना है आपके जीवन में कितना सुख मिलेगा सौभाग्य कितना प्राप्त होगा सूर्य की शुभ स्थिति शुभ परिणाम लेकर आता है मनवांचित फल की प्राप्ति होती है और सूरज के प्रभाव से ही आपका जीवन सुंदर होता है प्रभावशाली बनता है आपकी कुंडली में सूर्य जब भाग्य को प्रभावित करता है तो आपकी जीवन में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती है बड़े बड़े काम भी करते हैं धन की वृद्धि होती है उत्साह उमंग आपके जीवन में बढ़ता है सौभाग्य का सितारा चमकता है आज आपकी कुंडली के कर्म स्थान में बृहस्पति का गोचर है शनि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहा है जबकि द्वादश में मंगल का गोचर है लाभ स्थान में राहु का गोचर सुख स्थान में चंद्रमा का उदय हुआ है और आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र बुद्ध सूर्य का गोचर है पंचम भाव में केतु बैठा है तीन ग्रह जब एक साथ आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करते हैं तो आपके लग्न के ऊपर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है सूर्य के प्रभाव से आपका आत्मविश्वास जागता है समस्याओं को सामना करने की शक्ति जागती है जिससे आपके जीवन में धन भी बढ़ता है अपनी समस्याओं पर आप विजय भी प्राप्त करते हैं सुख भी बढ़ता है सौभाग्य के सितारे भी चमकते हैं आपका व्यापार भी अच्छा चलता है नौकरी में भी तरक्की होती है और आपकी जीवन की जो परेशानी है जो बाधा है जो रह रह कर आपको तंग करती है परेशान करता है उस परेशानी और उस रुकावट से आपको बड़ा मुक्ति मिलेगा क्योंकि सूर्य इस समय बुद्ध के साथ गोचर कर रहा है और कर्मस्थान का बृहस्पति सूर्य की शक्ति को और भी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है सूर्य चंद्रमा बृहस्पति और मंगल के प्रभाव से और भी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है जो कार्य में सफलता देता है आपके लिए लाभ का अवसर लेकर आता है जीवन में समृद्धि मिलती है सुख की प्राप्ति होती है आपके लिए समय शुभ है बेहतर परिणाम आप प्राप्त करेंगे क्योंकि आज ये सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने का योग बन रहा है मान प्रतिष्ठा धन वृद्धि नेतृत्व की क्षमता यानी आपकी जीवन में बड़े लाभ सौभाग्य सुख का योग है आपकी किस्मत अवश्य बदलेगी आपका भाग्य अवश्य चमकेगा क्योंकि आपकी कुंडली में इस समय ग्रहों की दशा अति शुभ है सूर्य बुद्ध शुक्र का प्रभाव है राहु की छाया है चंद्रमा बृहस्पति की दृष्टि है आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा प्रथम चरण का स्वामी सूर्य है द्वितीय चरण का स्वामी शनि तृतीय चरण का स्वामी बृहस्पति और चतुर्थ चरण का स्वामी बुद्ध है आज परिवार का साथ भी मिलेगा माता पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा गजब सा उत्साह आपके अंदर होगा अपने मेहनत से अपने भाग्य को चमकाने की ताकत आप में है सूर्य का गोचर बहुत सारे परेशानियों का हल भी लेकर आता है और आपकी जीवन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का साहस भी देता है सामर्थ्य भी बनाता है सफलता के रास्ते मिल ही जाते हैं जीवन में सुख बढ़ ही जाता है आपकी लोकप्रियता बढ़ ही जाती है क्योंकि जीवन में सूर्य और सूर्य का परिवर्तन सूर्य का गोचर और सूर्य का प्रभाव धन कारोबार से आपको माला माल बनाता है शुभ स्थिति का निर्माण करता है आपकी जीवन की स्थिति को मजबूत बनाता है जिससे आपके लिए सुख धन लाभ का योग बनता है किस्मत आपका साथ देता है आपकी जीवन में बड़ी तरक्की उन्नति होती है और भाग्य का सितारा भी बुलंद होता है 16 दिसंबर शुक्रवार का दिन पौषमा क्रिसपस की अष्टमी तिथि आयुष्मान योग पूर्वा फागुनी नक्षत्र सात बजकर पैंतीस मिनट शुक्र का प्रभाव उसके बाद उत्तरा फागुनी नक्षत्र में सूर्य बुद्ध के प्रभाव से आपके लिए समय बेहतर स्थिति लाभ सौभाग्य लेकर आया है आपकी जीवन में बड़ी तरक्की होगी समृद्धि सुख की प्राप्ति होगी क्योंकि सूर्य के मित्रग्रह चंद्रमा मंगल बृहस्पति ग्रह बुद्ध और ग्रह शुक्र शनि जो आपकी कुंडली में इस समय बड़ा बलवान होकर गोचर कर रहा है आपके लिए बड़े लाभ का अवसर लेकर आया है सूरज के प्रभाव से किस्मत के सितारे चमकेंगे आपकी जीवन में समृद्धि सुख की प्राप्ति होगी आप धन भी कमाएंगे सुखी जीवन और समृद्ध जीवन आपका होगा बड़े भाग्यशाली आप होंगे आज का राहु राहुकाल दस बजकर उनसठ मिनट से बारह बजकर सत्रह मिनट राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें पश्चिम दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें आपके लिए लकी कलर व्हाइट होगा लकी नंबर थ्री होगा ब्रह्म मुहूर्त पाँच बजकर सत्रह मिनट अभिजीत मुहूर्त ग्यारह बजकर छप्पन मिनट विजय मुहूर्त दो बजकर एक मिनट आपके लिए शुभ है बलवान होकर सूर्य आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठा है तो सूर्य के प्रभाव से उत्तरा फागुनी नक्षत्र में आपके लिए शुभ लाभ का अवसर आएगा आपके जीवन में सुख बढ़ेगा धन मिलेगा भाग्य आपका चमकेगा हनुमान जी का दर्शन करें हनुमान जी की पूजा करें जय श्री राम जय जै हनुमान जय श्री राम